अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सप्तशृंगी माता के महाभिषेक हेतु नर्मदा कावेरी जल लेकर आए कावड़ यात्रियों का हुआ भावभीना स्वागत। महाराष्ट्र के ग्राम असलोत तहसील शाहदा स्थित सप्तशृंगी माता का प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में नर्मदा कावेरी जल से महाभिषेक किया जाता है। यह परंपरा पिछले 12 वर्षों से अनवरत जारी है। इस वर्ष भी महाभिषेक हेतु नर्मदा कावेरी जल लेकर सैकड़ों कावड़ यात्रियों का ओंकारेश्वर से खरगोन पहुंचने पर सुरेंद्र मुरलीधर जोशी परिवार ने भव्य स्वागत किया एवं कावड़ यात्रियों को भोजन भी कराया। सन 2010 से हमने यात्रा चालू किया है। हमारी यहाँ शाहदा तहसील है नंदुरबार जिले में, हमारे असलोत गांव में छोटा गांव है, वहाँ उस गांव में हमारे सप्तशृंगी माता का मंदिर हमने बना हुआ है। उस मंदिर में जो माता दुर्गा की हमने मूर्ति रखी है उसका पूजन हम ये चैत्र नवरात्र में हनुमान जयंती के दिन उसका नर्मदा और कावेरी का जल ले जाने के बाद उसका अभिषेक कराते हैं। उसको 2010 से आज तक वो हमारा काम चल रहा है। खाली पिछले बरस यानी कोरोना का महाकाल के इसमें सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या भारत सरकार गवर्नमेंट के पाबंदी लगाई थी, इसलिए हमने मोटरसाइकिल पे वो जल ले जाके अभिषेक का काम पूरा किया था। अभी हाल ही में हम 24 तारीख से ओंकार जी से नर्मदा और तापी जी का जल लेके निकले हुए हैं। पहला पड़ाव हमारा सनावत में था, ओम भाई पटेल पटेल ट्रांसपोर्ट के यहाँ हमारा दोपहर का खाना था। रात को हम गुड़गांव में रामू सेठ भमोरिया उनके यहाँ हमारा खाना का पड़ाव था, आज यहाँ है। और शाम हमका हमारा रात का ऊन गांव में जो है ऊन गांव में महालक्ष्मी मंदिर के पास हमारा पड़ाव रहेगा। हम 31 तारीख को हमारी ये जो यात्रा है खत्म होगी। आगे चलते हम उनका दिन से और असलोत तक हमारे पूरे अन्नदाता फिक्स हुए हैं। 2010 से हमको वो अन्नदान करते आ रहे हैं और आज भी यहाँ हम खरगोन में सुरेश जोशी उनके वहाँ हमारा पड़ाव है। उन्होंने 2010 से हमको वो हमें महाप्रसादी का काम कर रहे हैं और दे रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य हमारा ऐसा है कि भारत वर्ष में अभी कुछ सालों में हिंदुओं का थोड़ा सा बजट गंदा हो रहा था, मगर ये मोदी जी ने हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया तो उसका भी हमारी तरफ से भी फूलना फूल की पाकली हो, ऐसा हिंदू धर्म का प्रसार का काम हो जाए, प्रचार का काम हो जाए और माता का भी प्रसार हो जाए, प्रचार हो जाए और हमें उसका लाभ मिले, इसका इस उद्देश्य हमारा ये है। डीजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।